पटना में जब रैली उनका हुआ था बम ब्लास्ट करवा दिया। कांग्रेस तो खत्म हुआ यहाँ से भागवत झा आजादी के टाइम से। कांग्रेस फांग्रेस विरोध नहीं करते हैं, यहाँ निकाल नहीं पाए। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं सही बात है, क्योंकि शिक्षित हैं, कुछ सोच के वो बोलते होंगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव। ऐसा नहीं कि मंदिर सिर्फ बीजेपी का है, मंदिर समूह का है। भगवान राम सबके थे, बजरंग बली सबके थे, श्री कृष्ण सबके थे, किसी एक जाति समुदाय का नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नहीं है, सबका है। अब दिल दिमाग राजनीतिक बात अलग है, धर्म अलग चीज है। राजनीति से धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। सब कोई हवा बनाता है, कैसे हम वोट बटोर लें, कैसे क्या कर लें नहीं कर लें, कैसे हमारी सरकार बन जाए। ये हमारे नीतीश कुमार भी सोचते हैं हमारा वोट बढ़े। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सोची? मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काटिएगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान नहीं दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नहीं है, वो नरेंद्र मोदी ने कोनो अयोध्या मंदिर का निर्माण नहीं किया, ये कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसले के आधार पर वो। और सभी संतों ने पैसा लेके या सब जो चंदा करके राम मंदिर का निर्माण किया अयोध्या में। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी का सोच है ये गलत है। जिस तरह से अजय यादव ने आज बयान दिया कि अयोध्या में जिस तरह से अभी पाकिस्तान और आतंकी का नाम लेकर बीजेपी फिर से कुछ खेला कर सकती है। देखिए भाई, हम ना तो आरजेडी विधायक के खिलाफ बोलने वाले हैं। पहले बयान देते थे उपटांग दिया करते थे, आरजेडी विधायक क्या बोले नहीं बोले। और भारतीय जनता पार्टी का मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी का एक काम रहता है, पटना में जब रैली उनका हुआ था बम ब्लास्ट करवा दिया। बम ब्लास्ट तो करवाते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। संत लोग थे, धर्मार्थी थे, बम विस्फोट हो गया। ऐसा सब नरेंद्र मोदी करते हैं, वो बड़े लोग हम छोटा लोग हैं। हो सकता है इस बयान पर उन्होंने यह भी कहा नीतीश कुमार को एक तो टिकट वह हटा दो ना, इसलिए हम तो जानते हैं सब कुछ। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर लगातार क्या सीट शेयरिंग गठबंधन के अंदर 17 सीट जदयू मांगी है और कांग्रेस का कहना है कांग्रेस नाराज ना। सुनिए, 17 सीट तो जदयू का था ही, होना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। हम तो चाहेंगे 17 सीट जदयू को मिले। और एक बात है, कोई नाराज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार नहीं है सबका नाराजगी दूर, नीतीश कुमार है तो सब कोई नाराज करते हैं। अरे सीटवा किसी तरह लेके बिहार का 4400 सीट लो, नाराज क्या होते हो? दे दिया गया 4400 सीट कांग्रेस को, क्या निकाल लेगा? वो सब बात नहीं है। हम देखे लालू जी के समय में कितना सीट देता था गिन गुत के। तो बात है जदयू बिहार में सर्वोपरि है, सबसे पार्टी बड़ी है, मुख्यमंत्री की सोच अजूबा है, सब बात है, वो अपना सोच विचार के चलते हैं। भागलपुर पर भी दावा ठोक रहा है कांग्रेस की, यहाँ से कांग्रेस को लड़ना। दो कांग्रेस तो खत्म हुआ यहाँ से भागवत झा आजादी के टाइम से। कांग्रेस फांग्रेस विरोध नहीं करते हैं, यहाँ निकाल नहीं पाएगा सीट। कांग्रेस में कौन कैंडिडेट है जरा बताइए तो, अजीत शर्मा ये कैंडिडेट जो भागलपुर पर पकड़ नहीं है, पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं, कौन कैंडिडेट है कांग्रेस में जरा बता दीजिए तो। कांग्रेस में भागलपुर में कोई कैंडिडेट नहीं है। कह रहे सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान में है, यहाँ बिहार में नहीं है बड़ी पार्टी। बिहार में बड़ी पार्टी कांग्रेस नहीं है, यहाँ पर बड़ी पार्टी अगर है नीतीश कुमार है, जदयू है, आरजेडी है, ये बड़ी पार्टी है। आने पे चर्चा नहीं हो रही है, लगातार मीटिंग तो हो रहा है इंडिया गठबंधन का। देखिए नीतीश कुमार ऐसा कोई बात नहीं है, वो सोचते हैं वो प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो संयोजक बनावे नहीं बनावे, इनका काम था इंडिया गठबंधन तैयार कर दिया अपने बलबूते पर। अब कोई माने या नहीं माने इससे कोई नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होने? अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, योग्य व्यक्ति है, इन्होंने पूरा इंडिया घूम के इंडिया गठबंधन तैयार किया। हम तो एक ही बात कहेंगे नीतीश कुमार को होना चाहिए, इसके अलावा देश के अंदर
कोई बनने लायक है ये नहीं है। कहाँ से उठा के ले आते खड़गे, अरे किसी का नाम नहीं जानता हो, खड़गे का नाम ले आया। नीतीश कुमार को देश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर बच्चा बच्चा जानता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।